गुड इवनिंग एवरीवन मैं देवेंद्र सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एम के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है सभी का नेहा अभिषेक करिश्मा संध्या सोना नीतू अंतर सिंह दीक्षा ठीक है सभी का स्वागत है सभी का बहुत बहुत स्वागत है राधा श्वेता कृष्णा पूजा द्रुप्ति सभी का स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं हमारा सैटरडे स्पेशल ठीक है महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं और आज के क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो लेवल है इसमें लगभग सभी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश की गई है ठीक है अर्पिता ठीक है नमिता सभी का स्वागत आदित्य ठीक है ठीक है ठीक है गुड इवनिंग हाँ मैं नाम ले रहा हूँ सबका नाम ले रहा हूँ है ना देवेंद्र मेरे नाम के भी हैं राधे राधे बेटा गोलू वर्षा प्रिया पूजा निधि दिनेश प्राची द्रौपदी नीतू नीता और आनंद ठीक है आनंद अपने दोस्त को भी जोड़ो राहुल चलिए चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुरुआत करते हैं फटाफट आशा करते हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे कुछ नया सीखने को मिलेगा एडिशनल जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा और लिमिट भी है एक घंटे में खत्म करना है तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर महत्वपूर्ण हमारे पचास क्वेश्चन तो दोस्तों टेलीग्राम पे आपको इसके आंसर्स या पीडीएफ मिल जाएगी तो वो नो इश्यूज का तो लेक्चर्स बढ़ गए हैं तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपकी एक लेक्चर बढ़ गया है तो आपको याद रखना है अब मध्य प्रदेश का भौगोलिक मध्य प्रदेश के अब आपको दो लेक्चर मिलेंगे <coughs> मध्य प्रदेश के आपको दो लेक्चर मिलेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय बढ़ गया है तो एमपी के आपको दो लेक्चर नरेंद्र सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ से तो नरेंद्र सर को आप जानते हैं बहुत ही जाना मेहनत चेहरा है भैया बहुत सालों से यहाँ ले रहे हैं लेक्चर तो नरेंद्र सर हमारे पुराने जो हमारे लेक्चर्स ले रहे यशवंत सर और कुंदन सर और मेरा लेक्चर सबसे लास्ट में रहता है तो आपको चार चार लेक्चर मिल जाएंगे ठीक है और जल्दी इस पे पॉलिटी भी शुरू होगी तो बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी वन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता डब्ल्यू टीए ठीक है डब्ल्यू टीए फाइनल में होता है टेनिस में होता है किस में होता है टेनिस की बात करें तो टेनिस का डब्ल्यू टी ए ट्वेंटी ट्वेंटी वन किसने जीता जल्दी बताइए किसने जीता फटाफट फड़ बताइए और जिसने जीता है वो वर्ल्ड नंबर वन भी है अभी हाल ही में गार्बी विक्टोरिया या अरोलिना ये सब वुमेन्स के नाम हैं सब वुमेन्स के नाम हैं पॉलिटी भी तबरे शुरू होगी बिल्कुल पॉलिटी देखिए अब तो हमारे पास और समय मिल गया है हमारे पास और समय है तो हम समय का और सदुपयोग करेंगे अपनी तैयारी कमजोर मत पढ़ने देना दोस्तों है ना ए वेरी गुड क्या बात है वृंदना का पहला आंसर आया डी नहीं आएगा ए सही है पूजा का तो भी तो भैया शुरुआत ही टफ क्वेश्चन से कर रहा हूं ये लड़की स्पेन की है कहा की है स्पेन की इसने 16 में जीता था फ्रेंच ओपन ठीक है और इसने 17 में जीता था विंबडन ठीक है तो 2016 और 2017 में और ये टेनिस में स्पेन की कहा की है टेनिस और ये भी वर्ल्ड नंबर वन है ठीक है तो ये आपको याद रखना सारी जानकारी आपको याद होगी ठीक है हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटा मेरा अगला देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शहर में स्थापित किया गया है जल्दी बताइए ये करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो आप लोग जब तक आंसर दे रहे हैं मुझे ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल साक्षी का आंसर सही था बिल्कुल सही जल्दी बताइए जब तक ये आ रहा तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या है तो ये समझा देता हूं पानी से H2O से H अलग करना ठीक है ये आपको याद है कि पानी से हाइड्रोजन अलग किया जा रहा है इसको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बोलते हैं पानी से अलग किया जा रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जल्दी बताइए फटाफट सी सूरत मथुरा सही है क्या बात है डी आंसर आएगा इसका सेकंड का क्या आएगा डी बिना देरी करे हुए तीसरे पे चलते हैं किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का इक्यानवे वर्ष की आयु में 3 जून 2001 को निधन हो गया मॉरिशियस श्रीलंका नेपाल भूटान जल्दी बताइए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है जल्दी बताइए सूरत नहीं था बेटा मथुरा आंसर था मथुरा ही आंसर था सेकेंड का मथुरा आंसर था फोकस करे पढ़ने पर फोकस करे पूरा पढ़ने पर ओके okay, जिनका आंसर सही है बहुत सही मॉरिशियस बिल्कुल सही आ रहा है तीसरे का आंसर सही है मॉरिशियस वेरी गुड शाबाश ठीक है कितों ने सही दिया है पूजा निधि बहुत सही बहुत अच्छा क्वेश्चन था मॉरिशियस मॉरिशियस की कैपिटल बता दीजिए कैपिटल बताइए मॉरिशियस किसका पार्ट में आता है मॉरिशियस अफ्रीकी महाद्वीप का भाग है अफ्रीका महाद्वीप का भाग है मॉरिशियस और मॉरिशियस की कैपिटल बताइए राजधानी मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए अभी की अभी फटाफट बताइए मॉरिशियस की राजधानी बताइए मॉरिशियस की राजधानी बताइए थर्ड का है बहुत सही थर्ड का बिल्कुल सही है सोनू का भी सही है सोनू यादव निर्मल आनंद चरण सबका सही है लगभग सबका सही है बिल्कुल करंट अफेयर है देखिए आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं तो उसमें करंट अफेयर्स भी लेके आए हैं आप करंट अफेयर्स पढ़ भी रहे हैं तो बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा ठीक है जल्दी बताइए करंट अफेयर्स आएगा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा हिस्ट्री आएगा साइंस आएगा सब डाला है मैंने आज पचास में पूरा मिक्सचर लेके आया हूँ आपके लिए मॉरिशियस की कैपिटल बोली थी बर्लिन अरे क्या कर रहे हो आप आंसर दीजिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं नीति नीति आयोग जो है ना तो उसके सीईओ का नाम बताएं जिनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है सही सही आंसर है। शाक्षी ने सही आंसर दिया। Mauritius की है। ने तो है। है तो वो मॉरिशियस की है पोर्ट लुइस बिल्कुल सही है साक्षी कृष्णा अगेन बिल्कुल सही है और विक्टोरिया भी याद रखना वो शेषल्स की है फटाफट लाइक कर दीजिए भैया सबसे पहली चीज क्या करें शेयर कर दिया करो लिंक को अपने स्टेटस पे शेयर कर दिया करो और जितने लोग जुड़े हमारे से लाइव वो सेशन को लाइक कर दिया करो तो बताइए भैया कौन है अरविंद पनगड़िया राजू कुमार अभिकांत अभिताभ कांत या नरेंद्र मिश्रा जल्दी बताइए सी अभिकांत कांत बिल्कुल सही अभिताभ कांत इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक जून एक जनवरी को 2015 को इसका गठन किया गया था योजना आयोग का नाम बदला था योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम बदलकर यह नाम रखा गया था यह आपको याद रखना है ठीक है फटाफट फटाफट आंसर देंगे अच्छे से आंसर देना है ठीक है क्लियर है क्लियर है जल्दी बताइए कमेंट्स <coughs> नहीं दिख रहे आ गए कमेंट चलिए कमेंट आ गए काम कान बिल्कुल सही है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है क्लियर है योजना आयोग को ही इधर लेके आए थे ठीक है ये आपको याद रखना है। योजना आयोग को ही इधर लेके आया था तो बिल्कुल सही योजना आयोग को ही बदला था आप याद रखेंगे अगले चलते ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी बहुत आईम पी है यार ये भी करंट का पांचवा क्वेश्चन भी करंट से लेके आया हूं तो फटाफट आंसर दीजिए हमें एक घंटे में पचास करने हैं आंसर दीजिए फटाफट ग्लोबल पीस इंडेक्स इसमें यह जरूर बता देता हूं कि फर्स्ट कौन सा है यह आपको याद रखना है इसमें कौन सा है आइसलैंड ठीक है और इसमें लास्ट कौन सा है वो है अफगान अफगानिस्तान ठीक है तो पहला लास्ट याद रखेंगे सेशन लाइक करती चलिए तो फिफ्थ का क्या आएगा डी नहीं नहीं, नहीं नहीं एक सौ पैतीसवी रैंक बिल्कुल सही एक सौ पैंतीसवी हम 141 से 139 गए और उसके बाद फिर ये तो ये 141 थे फिर 139, फिर 135। अभी लेटेस्ट जो हमारी रैंकिंग है 135। पहले पे कौन था आइसलैंड है लास्ट पे कौन है अफगानिस्तान क्योंकि यह तख्ता पलट हुआ था पूरे विश्व को मालूम है यहां सबसे ज्यादा अशांति सबसे ज्यादा अशांति यही है और सबसे ज्यादा शांति बाई कहा मिलेगी आपको यहां मिलेगी तो याद रखेगा आइसलैंड में सबसे ज्यादा शांति है ठीक चलिए होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा लाइक कर दीजिएगा सेशंस को फटाफट और छठे पे चलते हैं निम्न में कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है फटाफट बताइए कौन सा राजवंश चालुक्य काकतीय कलचूरी प्रतिहार जल्दी बताइए छठा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश नाउ गिव द आंसर फटाफट फिफ्थ का एज सभी का सही जा रहा है निर्मल विकास सही है सही है आपका बिल्कुल सही है लाइक like कर दीजिए सेशंस को भाई कलचुरी याद है ना कलचुरी कहां थे जबलपुर कहां के कलचुरी त्रिपुरी याद है ना इसको क्या त्रिपुरी भी कहते थे त्रिपुरी के कलचुरी ये याद रखेंगे त्रिपुरी के कलचुरी तो सिक्स का क्या आएगा सी 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना मध्यप्रदेश के किस नगर में हुई थी बहुत आईएमपी स्त्री सेवा दल 1931 में बनाया था डॉक्टर नारायण सुब्बाराव ने 1931 में इसको किसने बनाया था डॉक्टर नारायण सुब्बाराव ये डॉक्टर नारायण सुब्बाराव ने बनाया था स्त्री सेवा दल ठीक है ये क्या करते थे गांधी टोपी गांधी जी की टोपी पहनते थे भैया अलग से दिखने गांधी टोपी पहनते थे जब तक आंसर चेक करता हूं इधर देख लेता तो बताइए फटाफट सिक्स का आंसर सी सी वो तो C था का बताइए मुझे कहा सागर सतना रतलाम खंडवा फटाफट बताइए सेवंथ का सी बताने वालों की भैया जे जयकार हो रही है आज बहुत सही सेवंथ का क्या आएगा सी आएगा एक्सलेंट पूजा क्या बात है भाई सोनू यादव ने भी सही दिया बहुत सारी श्रद्धा काफी मैं नाम ऊपर चले गए अंबिका बिल्कुल सही क्या बात है भैया आप लोगों का ये आज तो बिल्कुल दिन है ऐसा लगता है सेवन का सी कल टेस्ट या कल टेस्ट है ये कल टेस्ट, टेस्ट नहीं इस संडे थोड़ा तो सा गैप दिया गया है ऐसा नहीं कि एग्जाम आगे बोल के इसलिए गैप दिया है मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी पहले बोल चुका हूं कि सैटरडे टेस्ट नहीं हो पाएगा बाहर होने की वजह से टेस्ट नहीं कंडक्ट हो पा रहा है तो नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट संडे हम जरूर टेस्ट लेंगे आपका ठीक है बिल्कुल सही यो चलते हैं मेघनाथ पर्व भैया बारिश को बुलाने के लिए मनाया जाता है कोरकूप पनी का कौन करता है या नन ऑफ दिस जल्दी बताइए कौन करते हैं मेघनाथ ये वर्षा जो वर्षा से रिलेटेड है ना वर्षा को बुलाने के लिए भाई एनर्जेटिक रहेगा शाम का समय सैटरडे नाइट है ना वैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहोगे आज तो पॉजिटिव रहेगा हाँ हाँ मैं सबका नाम लेता हूं। अगर कोई मिस हो जाता है तो क्या बोलू मैं आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एक साथ चलिए कोई बात नहीं ठीक है पूजा ठीक है ओके सेवन का कोरकू जनजाति एथ एट का एट्थ का आंसर ए दे रहे हैं ए दे रहे हैं पलीका लिख रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग पनी का लिख रहे हैं कुछ लोग सी लिख रहे हैं तो प्राची शुक्ला का आंसर सही आया है गौण जनजाति ठीक है क्या आंसर आएगा? जनजाति, जनजाति और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है सी <coughs> आएगा इसका आंसर सी ए नहीं ए नहीं ओमवती गलत आ रहा है ए नहीं ठीक है तो याद रखेंगे रहें, आप लोग याद रखेंगे सी आएगा इसका क्या आएगा एट का सी मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी द मध्य प्रदेश ये आया स्टैटिक क्वेश्चन ये एक में स्टैटिक एक दो स्टैटिक क्वेश्चन डालूंगा है ना मेरे में हंड्रेड जो क्वेश्चन लेता हूं संडे को उसमें भी दो तीन सन के पूछता हूं यहां पे भी सन का पूछा है क्योंकि आपको सन का इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि यार आपको याद हो जाएगा जल्दी बताइए मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त और विकास निगम 29 सितंबर 1994, 1 एक जनवरी 1993, 5 फाइव अक्टूबर 1998 या सिक्स फरवरी 1996, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट गोंड बिल्कुल सही था अभिषेक का भी सही था कविता तनवर कोल नहीं कोल, अभी कोल उसमें नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गोंड आएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलिए नाइन्थ का बताइए एट्थ का तो मैं बता चुका था एट्थ का सी था नाइन्थ का बताइए फटाफट तो ऑप्शन में नहीं था ना इसलिए नाइन्थ का ए बिल्कुल सही क्या बात है नाइन्थ का आ रहा है ए वेरी गुड नाइन्थ का क्या आएगा ए आएगा ठीक है चलिए जहां से भी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है ठीक है तो 9th 29th सितंबर 1994 को हुआ था सन याद रख लेंगे जिन्होंने भी ये आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली राइट ठीक है तो फटाफट अगला क्वेश्चन 10वे क्वेश्चन के चलते मालवा उत्सव लो भैया मालवा के लोगों के लिए सौगात है मालवा उत्सव बताया जा रहा है नहीं किया जाता देखिए नहीं होता नॉट ऑर्गेनाइज तो निम्न में से किस जगह पे नहीं होता है नहीं होता है पूछा है सेशन लाइक कर दीजिए सेशन लाइक करने में कमी मत रखिए सेशन तो लाइक कर दिया करो सब लोग जुड़ो फटाफट लाइव होते हैं हमारे डेढ़ सौ से ज्यादा आप और लाइक करते हैं कम तो ये तो गलत बात है सेशन लाइक करा करो यार राधे 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 जय श्री राम जय श्री महाकाल जय भीम जय भारत सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई राजगढ़ में नहीं होता बिल्कुल सही राजगढ़ में नहीं होता यहाँ तो तीनों जगह पर होता है ठीक है ये याद रखना मांडू में तो बहुत ही अच्छा मनाया जाता है इंदौर मांडू और उज्जैन में तीनों जगह पर होता है मालवा उत्सव ऐसे निमाड़ जब भी पूछा जाए ना मैं यहां लिख देता हूं जब मैं निमाड़ की बात करूं ना तो निमाड़ में भी आप याद रखेंगे खरगोन ठीक है महेश्वर बड़वानी ये तीन जगह तो खरगोन में भी होता है महेश्वर में और ये जो खरगोन वाला है इसी को आप महेश्वर लिखेंगे और ये खंडवा में भी ऑर्गेनाइज करा जाता है तो ये तीन प्लेसेस है खंडवा अगर महेश्वर ऑप्शन में नहीं है तो खरगोन देगा तो पहली प्लेस है खंडवा दूसरी खरगोन या महेश्वर में से कोई एक और तीसरा होता महेश्वर में ही है पर वो जिला खरगोन लगता है तीसरा बड़वानी तो ये तीन चीज भी आप रखें निमाड़ उत्सव भी तीन जगह होता है मकड़ाई का किला बहुत आई एमपी है मकड़ाई का किला कहां है जल्दी बताइए भैया ठीक है मकड़ाई का किला इसकी इंफॉर्मेशन इधर लिख देता हूं मकरंद शाह ने बनवाया था किसने बनवाया था मकरंद शाह ने बनवाया तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से दी जा रही है मकरंद शाह ने ठीक है याद रखेंगे जादूगर मलिन महल भी यही मिलता है जादूगर मलिन या मालिन महल भी आपको यही मिलेगा ठीक तो है तो कहा है राजगढ़ सतना हरदा रीवा फटाफट हरदा क्या बात है क्या बात है हरदा बहुत सही बहुत सही तो ये इंफॉर्मेशन भी याद रखेंगे मकरन शाह ने बनवाया था किसने बनवाया था मकरन शाह ने जादूगर मलिन का महल यही मिलता है ठीक है सयानी नदी के किनारे है सयानी नदी के किनारे है। के पास ठीक आगे चलते हैं निम्न में से कौन सी कोरकू जनजाति की उपजाति इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सबकास्ट ऑफ कोरकू कोरकू के सब कौन सी रूमा बोडो या बवारी या सभी जल्दी बताइए ठीक है ठीक है ज्यादा कमेंट नहीं देख पाता हूं उसके लिए क्या बोलू मैं अब ज्यादा ध्यान दूंगा आज क्वेश्चन हमें चाहता हूं कि जब मेहनत होती है पेपर पे तो आप तक पूरे के पूरे पचास क्वेश्चन मिल जाए समय की सीमा का जो बंधन है कि आगे और पीछे लेक्चर्स रहते हैं यूट्यूब पे कंटिन्यू लेक्चर्स चल रहे हैं तो इसीलिए समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बाकी और कुछ नहीं आपका रिस्पॉन्स तो भैया हम गदगद हो ही जाते हैं चलिए क्या आंसर आ रहा है ट्वेल्थ का इलेवेंथ का सी बिल्कुल का बहुत सारे दी दे रहे और बिल्कुल सही है सभी उपजाती हैं ये सभी उपजाती है आपको याद रखना ये सभी उपजाती हैं अशोक के शिलालोक को प्रयुक्त भाषा देखिए इसका ये क्वेश्चन है मतलब भारत में भारत में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किस भाषा में किस भाषा में लिखे गए हैं भाषा में लिखे गए हैं भारत में किस भाषा में लिखे गए संस्कृत प्राकृत पाली हिंदी संस्कृत प्राकृत पाली हिंदी फटाफट बताइए थर्टीन का क्या आंसर होगा भारत में सबसे ज्यादा अशोक ने बहुत जैसे ऐसे भारत के बाहर उस वाली भाषा का प्रयोग ज्यादा किया है भारत में सबसे ज्यादा कौन से, से भाषा का आएगा संस्कृत पाली प्राकृत हिंदी जल्दी बताइए तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा है ट्वेल्थ का थर्टीन का क्या आएगा नहीं इससे ज्यादा ये लिखेंगे पता नहीं आप लोग क्या ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना प्राकृत भाषा में ज्यादा है पाली से ज्यादा किसमें लिखे गए प्राकृत में बी बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है पर आई विल गो विथ बी आंसर सी नहीं है पाली से ज्यादा प्राकृत में लिखा गया है आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत से पाली फिर प्राकृत तो जो पाली थी गौतम बुद्ध की भाषा थी और प्राकृत जो थी महावीर जैन साहब की मगर उनके उनके बाद उनका प्रचार किया गया तो इसलिए प्राकृत भाषा में ज्यादा है तो आई गो विथ बी ठीक है तोल कपियम ग्रंथ संबंधित है तोल कपियम तोलका पियर में लिख देता हूं तोलका पियर के द्वारा के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया लिखा गया पहले तो यह याद रखें तोलका पियर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया ये और ये कौन थे तोलका पियर कौन थे ये ऋषि अगस्तस्य जो ऋषि अगस्तस्य थे उनके बारह शिष्य में से बारह शिष्य में से एक थे ऋषि अगर और ये किससे संबंधित है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है किससे संबंधित है व्याकरण और काव्य तो फोर्टीन का क्या आएगा सी फोर्टीन का आएगा सी भैया आज का पहले मैंने वादा करा था कि पेपर थोड़ा सा टफ दे रहा हूं तो फोर्टीन का सी है मैंने ये बता दिया कि तोल कपियम ग्रंथ तो सुना नहीं होगा बहुत सारों ने ये लिखा था तोलका पियर नामक एक व्यक्ति ने जो ऋषि ये वही ऋषि अगस्त जिनका जिक्र रामायण में होता है जो दक्षिण में गए थे मैंने बताया था विंध्याचल को रोक के गए थे कि जब तक मैं वापस ना तू बढ़ना मत ये वही ऋषि अगस्त जिन्होंने सीता मैया को चमत्कारी कपड़े दिए थे ठीक है अगस्त मलाई की पहाड़ियां कहां मिलती है केरल में मिलती है तो ये सब याद रखेंगे आप ठीक है वेरी गुड भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे जल्दी बताइए दादा भाई नोरोजी बाल गंगाधर तिलक एम या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जल्दी बताइए भाई जो संस्थापक थे उनको राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है क्या कहा जाता है राष्ट्र गुरु है ना जो संस्थापक हैं और उन्होंने 1876 में यह भारतीय संघ बनाया था और बाद में 1884 फाइव में जब अठारह में कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस में इसका विलय कर लिया विलय कर लिया कांग्रेस में विलय कर लिया था कौन थे दादा भाई नोरोजी बाल गंगाधर तिलक एओम सत्येंद्र नाथ बैनर्जी तो मुझे पंद्रह का आंसर भाई दादा भाई नोरोजी नहीं है ए नहीं है डी इज द राइट आंसर मयंक जैन ने आंसर दिया है सम्राट ने दिया है और बाकी का गलत है डी आंसर आएगा सुरेंद्रनाथ बेनर्जी तो लेवल देखिए भैया लेवल देखिए आप पेपर का मजेदार पेपर है आज मैंने पहले कह दिया था सरल प्रश्न कम पूछूंगा निम्न कौन सा नरम पंथियों में नहीं आता हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमोंग द मॉडरेट जो नरम नहीं थे जिनके विचार गरम थे याद है ना नरम दल और गरम दल तो कौन सा इसमें गरम है बाकी के नरम होंगे गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक आरसी दत्त डब्ल्यूसी बैनर्जी जल्दी बताइए कौन सा इसमें गर्म है जल्दी बताइए 16 का फटाफट 16 16 का 16 का आंसर बताइए बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल सही है 16 का गंगाधर तिलक लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल लाल बहादुर शास्त्री और आपको आ रहा है ये याद रखना है ठीक है बाल गंगाधर तिलक क्लियर है अगला देख लीजिए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था यार ये जो अलीपुर बम कांड है ना पहले तो ये समझा दू ये कलकत्ता के पास अलीपुर सेशन कोर्ट थी अलीपुर सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट में केस चल रहा था ठीक है याद रखेंगे कि किसका अरविंद घोष भी थे इनके साथ और इनके भाई भी थे घोष तो अरविंद घोष तो थे ही और इनके भाई भी थे बरीन घोष ठीक है इन दोनों पर केस चल रहा था ये कौन सा केस है अनुशीलन समिति ठीक है अनुशीलन समिति याद रखेंगे ठीक ये मैंने आपको बताया था बंगाल विभाजन के विरोध उनका वो था ये अनुशीलन समिति बोलते हैं अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे दूसरी बार पूछना अनुशीलन समिति ठीक है केस चल रहा था 1908 से लेकर 1909 इन्होंने विरोध करा था बंगा, बंगाल विभाजन का तो इनका केस किसने लड़ा था ठीक है किसने लड़ा था केस जल्दी बता दीजिए पेपर तो बहुत कठिन दूंगा मैं आज ठीक है तो सी आर सालवे क्या आएगा सी आर दास या सी आर सालवे ये ना ये याद नहीं ठीक याद रह जाएगा आंसर आएगा डी 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 नहीं नहीं बी नहीं डी मोतीलाल नेहरू जी अरे आप कहाँ चले गए वो तो मैं मोतीलाल जी नेहरू का आंसर कब आता है जब आप उधर जाते हो दूसरे केस के आप यहाँ कहाँ चले गए डी आंसर है बिल्कुल मिथेश मिथेश का सही आया है आंसर वेरी गुड अगला देखते हैं असहयोग आंदोलन उन्नीस सौ बीस बाईस को क्यों निलंबित कर यारी बहुत मैं पूरा हट गया हूं आप पूरे अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए बहुत ईजी है गांधी जी ने अव्यवस्था के कारण हिंदू मुसलमान के बीच समझौते के कारण नहीं कुछ घटना घटी थी रैली निकल रही थी रैली पे प्रथराव हुआ था और वहां के लोगों ने पुलिस वालों को पुलिस थाने में बंदी करके भाई जिंदा जला दिया कोई दया नहीं थी और जैसी ये घटना गांधी जी तक पहुंची थी जैसी घटना गांधी जी तक पहुंची थी उन्होंने क्या करा था कैंसिल कर दिया था याद रह जाएगा उन्होंने कैंसल कर दिया था आपको याद तो क्या आएगा डी चोरा चोरी क्या आएगा डी आएगा चोरा चोरी तो मुझे फटाफट बता दीजिए चोरा चोरी हर, जो कांड हुआ था ये किस तारीख को हुआ था मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए चोरा चोरी कांड किस तारीख को हुआ था ठीक है पेपर का लेवल देखिए आपको मजा आएगा संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था ठीक है समान मताधिकार पर सर्व मताधिकार पर सीमित मताधिकार पर और वर्गीय मताधिकार पर तो बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन भी डीपली पूछा गया है <starts> चोरा चोरी बिल्कुल सही है का आंसर बताइए पांच फरवरी उन्नीस डेट दिए भैया 19 का है समान मताधिकार सी सीमित मताधिकार डी प्राची शुक्ला ने सही दिया वर्गीय मताधिकार क्लास वे जो वर्गी वर्गीय मताधिकार पे हुआ था ठीक है ये आपको याद रखना है ना ही इक्वल सफ्रेश पे था, क्लास सफ्रेश वर्गीय वर्ग के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था यह आपको याद रखना है ना ही समान मो, मोटी नहीं डाले तो समान मताधिकार सर्व मताधिकार समिति मताधिकार ये तीनों चीज नहीं हुई थी ठीक है इनडायरेक्टली उठा लिया था तो आपको याद रखना आई एम पी है भैया है ना आई एम पी है नाइनटीन का क्या आएगा डी आएगा नाइनटीन का डी ऐसे क्वेश्चन जो आपको ज्यादा विंध्याचल पर्वत कैसा पर्वत है अवशिष्ट है ब्लॉक है वलित है ज्वालामुखी है रेसुडियोल है ब्लॉक है फोल्डेड है वॉलक्यून जल्दी बताइए विंध्याचल किस प्रकार का माउंटेन है बिल्कुल कालू सिंह ने लिखा ये याद रखेंगे डेढ़ सब ऊपर नीचे दे रहे हो तुम लोग 19 का D सही था ठीक है काफी लोगों का सही आया है अब बताइए 20 का क्या आंसर है 20 का आंसर बताइए 20 का सी वलित फोल्डेड माउंटेन 20 का सी नहीं युवराज गलत है रांची बाकी बहुत डी ज्वालामुखी ए भैया ए किसने दिया है तबरे सही दिया बेटा, शाबाश ठीक है अवशिष्ट पर्वत है पता नहीं ये कहा मालवा का बताया था आप कहा चले गए तो आंसर क्या आएगा ट्वेंटी का ए आएगा ठीक है अवशिष्ट रेसिडल है ना ध्यान रखिएगा ध्यान रखेंगे लाइक करिए सेशन को क्वेश्चंस अच्छे चल रहे हैं तो कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन ठीक है करंट मठ और पतालेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है द एंशियंट ठीक है करंट मठ एंड पतालेश्वर महादेव टेम्पल कलचुरी नाम ही आ गया कलचुरी है ना और कलचुरी कहां पर राज करते थे त्रिपुरी त्रिपुरी को आज क्या कहते हैं जबलपुर और जबलपुर आज किस नदी के किनारे है नर्मदा तो ऐसे सीक्वेंस बिठाइए आपको मजा आएगा तो आंसर क्या आएगा नर्मदा इक्कीस का आंसर क्या है नर्मदा ठीक है बिल्कुल सही फोल्डेड माउंटेन मैंने इसका नहीं बताया आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा मैंने कभी नहीं बोला कि जो विंध्याचल है वो फोल्डेड है नहीं नहीं सी बिल्कुल सही प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेदशाला का निर्माण कहां किया गया था जल्दी बताइए इंदौर उज्जैन जबलपुर छिंदवाड़ा अल्ट्रा अल्ट्रामॉडर्न ऑब्जर्वरी अल्ट्रा मॉडर्न बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से युक्त बाईसवे का बताइए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से युक्त नर्मदा बिल्कुल सही है नर्मदा बिल्कुल सही है क्या बात है बढ़िया नर्मदा सही है आंसर चाहिएगा मुझे अगला आंसर चाहिए ट्वेंटी टू उज्जैन बिल्कुल सही है क्या बात है डोंगला उज्जैन ठीक है याद रखेंगे बिल्कुल सही जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल सही शिखा जय युवराज सही है बेटा आपका भी बहुत सारे फिर बहुत सारों ने सही दे दिया क्या बात है राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहा स्थित है राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान तेवीसवे का बताइए कहा स्थित है राजीव गांधी वानिकी फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है 1989 के आसपास ये बनाता है जल्दी बताइए 23 का आंसर चाहिए मुझे समय कम है फटाफट बताइए 23 का आंसर क्या होगा उज्जैन सही है बेटा ट्वेंटी टू का उज्जैन बिल्कुल करेक्ट है कोई इश्यू नहीं है ट्वेंटी थर्ड का बताइए भोपाल बता रहे हैं? नहीं बेटा नहीं बी बोल रहे हो जबलपुर ए बोल रहे हो आशीष शिवहरे का सही है बाकी तो मेरे को आंसर किसी का सही लगे नहीं शिवनी क्या आएगा शिवनी ट्वेंटी थ्री का डी ट्वेंटी थ्री का डी आएगा डी 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 शिवनी प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण में शाह बुलबुल बुलबुल बुल, सोन चिड़िया को दिया गया है भैया संरक्षण घाटी गांव के नोरा दो नरसिंहगढ़ ठीक है यह ग्वालियर में है ठीक है ये नदी पर बना हुआ है के नदी पर नोरा सागर में है नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ में है ये राजगढ़ वाला भी है ठीक है ये याद रखना जल्दी बताइए जल्दी बताइए ट्वेंटी फोर का आंसर चाहिए डी अरे भाई डी पे क्यों चले गए याद करो मैंने बोला था सोन चिड़िया के लिए दो बनाए एक तो ये और दूसरा है करेरा और ये कहाँ है शिवपुरी में तो ये दोनों ये दोनों किस पे जाते हैं सोन चिड़िया के लिए और सेलाना और सरदारपुरा वो खरमोर के लिए ध्यान रखें आप लोग क्या कर रहे हो ठीक है यही ही आएगा ये ही आएगा याद रखना आपको ए आएगा घाटी गांव बिल्कुल सही है पच्चीसवे का बताइए चौबीसवे का ए था बेटा पच्चीसवे का बताइए बुल फॉर्म निम्न से किसका खनिज का अयस्क है मतलब बुल फॉर्म इज द मिनरल ओर मिनरल ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब बुल फॉर्म से क्या बनाया जाता Corundum है कोरडम बनाते हैं आयरन बनाते हैं टंगस्टन या कॉपर जल्दी बताइए बुल फॉर्म से क्या बनाते हैं तो ये बुल फॉर्म अयस्क है उससे कौन सा मिनरल बनता है फिफ्थ का बताइए फटाफट देखिए जल्दी जल्दी आंसर ट्वेंटी फिफ्थ का सी बिल्कुल सही है टंगस्टान बल्ब में यूज होता है बल्ब में यूज होता है चौबीस सौ डिग्री सेल्सियस इसका क्या है ये हमारा पेट क्रोस मध्यप्रदेश एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है भाई ये बताना है, एग्रो कॉम्प्लेक्स पहला एक लोता और पहला जल्दी बताइए एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है एग्रो कॉम्प्लेक्स आपको बताना है कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए आशा करते हैं क्वेश्चन मजेदार हो रहे होंगे तो लाइक्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और आप सेशन को अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हैं अपने तो व्हाट्सएप पे इंस्टा पे और जहां आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं फेसबुक वगैरह पे डाल सकते हैं 26 का बताइए 26 का डी छिंदवाड़ा बहुत सही एक है निम्नलिखित किस नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं बहुत दुर्लभ कछुए नर्मदा चंबल सोन बेतवा 27 का आंसर बताइए 27। बहुत ही रेयर है कि रेयर स्पेसिस है जो कहा मिलती है नर्मदा चंबल सोन बेतवा जल्दी बताओ 27, 27, समय कम है दोस्तों फटाफट फड़ करना क्वेश्चन करना है हमको ज्यादा चंबल में चंबल बता रहे हैं चंबल बता रहे हैं चंबल बता रहे हैं सी भी आंसर आया तो देखिए मैं आपका बी और सी का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं इसका आंसर आएगा सी ठीक है और जिन्होंने चंबल लगाया ना बेट बेटा तो उसमें आता है एक चंबल में बटा गुर नाम का कछुआ आता है ठीक है ये कहा कछवा कहां, कहां पाया जाएगा क्वेश्चन आप लोगों ने कैसा पढ़ा होगा बटागुर नाम का कछवा कहां मिलता है तो ये चंबल आएगा पर बहुत रेयर स्पेसिस कहां मिलती है सोन में मिलती है कुड रेड लाइन के आसपास मतलब मेरे को एग्जैक्टली exactly नाम नहीं मालूम उसको रेड लाइन में रखा गया रेड करके कुछ है कछुए का नाम ठीक है तो ये या आप याद रखेंगे सत्ताइसवे का सी है और चंबल में कौन सा मिलता है बटागुर कौन सा मिलता है बटागुर तो ये इसका आंसर तो ये यहां के कछुओं को रेड लाइन में रखा गया मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है छब्बीस पच्चीस दशमलव छप्पन अट्ठाईस दशमलव दशमलव दो तीन जल्दी बताइए ट्वेंटी एट का चाहिए आंसर अच्छा कमेंट लेट जा रहे हैं कोई बात नहीं कमेंट लेट आ रहे हैं ओके 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 कोई नहीं है, आपका आंसर है तो लेट दिख जाएगा 28 का आंसर लेके आप आंसर कैसे डालोगे तो अगर लेट भी हो जाएगा ना तो 28 का ए 28 का बी इस तरह से आपको आंसर लिखना है ना तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको मेरे को बाद में भी कमेंट आएंगे तो सन में आ जाएगा अट्ठाईस दशमलव छह क्या बात है बिल्कुल सही अट्ठावी का अट्ठाईस सबसे ज्यादा भाग बनाता है ठीक है ये आएगा आपका मालवा ठीक रीवा सतना का पठार इधर आएगा बुंदेल खंड ठीक इधर आएगा मध्य भारत मध्य भारत का पठार फिर इस तरह से और इस तरह से ये जाएगी नर्मदा सोन घाटी ठीक और इधर आएगा बघेल खंड और नीचे पूरी चलेगी आपकी ठीक है ऐसे याद रखना विश्व में प्रथम औद्योगिक रोबोट का नाम क्या था प्रथम औद्योगिक रोबोट विच वॉज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट जिसने इंडस्ट्रियल में काम करना शुरू किया चलिए बताइए फटाफट नाइन ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या आएगा ट्वेंटी एट का बता दिये, 29 ट्वेंटी ट्वेंटी एट का सी सही था ट्वेंटी बताइए क्या बात यार साबाश, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तेजी से आंसर दिया है ठीक है ट्वेंटी नाइन का एंकी ठीक है क्या बात ट्वेंटी नाइन का ए आएगा ए ए बिल्कुल सही बहुत शानदार बहुत बढ़िया यूनिमेट इंडस्ट्रियल था निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है सत्य ट्रू बताना है आपको रोबोक विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट था डेंटे टू रोबोट ने ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किए सी सोफिया रोबोट का निर्माण हांगकांग देश के द्वारा किया गया या डी ऑल ऑफ द अबव फटाफट फड़ बताइए थर्टी का आंसर चाहिए मुझे थर्टी का एम गलत है बेटा पूजा गलत आंसर है आपका युवराज गलत है बेटा गलत है ये तो गलत है डी सही है जानकी ठाकुर का सही आया क्योंकि ये सभी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है, भी सही है। तो आंसर क्या आएगा डी डी आंसर जिन्होंने दिया है राधा काकोडिया ठीक है रूबी पूजा विश्वकर्मा और प्रिंसी मिश्रा विकास और रूबी खान सबका डी सही है अनुषा का भी डी सही है रवीना का भी डी है कविता तनवर का भी डी है डी जिनका भी डी सही है थर्टी वन का बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट Alexa वाइस असिस्टेंट का आविष्कार Amazon ने किया था और गूगल द्वारा गूगल वाइस असिस्टेंट का अविष्कार किया गया तो बताइए भैया केवल एक सही दोनों सही बताइए क्या है हाँ कि ऑप्शन इसमें दो ही डाल दिए ए बी सी डी आंसर आना चाहिए था हालांकि चलो शॉर्ट ही हो गया है तो केवल एक सही मतलब इसमें क्या आएगा एलेक्सा जो आती है एलेक्सा वो आविष्कार अमेजन ने किया था किसने किया था एलेक्सा का आविष्कार अमेजन ने किया था ठीक है तो थर्टी वन का दोनों सही नहीं गूगल असिस्टेंट जो है आउटसोर्सिंग हुई थी एक बार चेक कर ले इसको ए आएगा इसका मतलब ए पहला ही सही है ना ओनली फर्ड ए सही है निम्निखी हुए कौन सा कथन असत्य विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स डीप माइंड गूगल द्वारा विकसित किया गया था प्रोजेक्ट बैन बैन वेव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित थे सोफिया रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की थी 32 बताइए मुझे थर्टी टू बताइए थर्टी टू थर्टी वन का सी था बिल्कुल सही 31 का सीता 32 बताइए चेक कर लेंगे साक्षी मुझे लग रहा है कि वो क्योंकि गूगल असिस्टेंट है ना आउटसोर्सिंग करके करवाया गया था इसलिए जहां तक मैंने सर्च करके डाले क्वेश्चन क्या बात है आनंद कुशवाहा 32 का डी सही है बेटा शाबाश 32 का डी आएगा बिकॉज़ ऑल क्या है असत्य कथन असत्य है ना तो ये आपको तो आएगा तो सभी सही है ठीक है क्योंकि असत्य कोई सा नहीं गूगल डोमाइन गूगल विकसित किया गया था बेन -बेन, ने संबंधित और सोफिया रोबोट को सऊदी ठीक है थर्टी टू का डी वेरी गुड किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है जैसे पासवर्ड नाम जन्मतिथि पिन इत्यादि तो इन विच ऑफ द साइबर अटैक यू आर यू आर आस फॉर यूर इंफॉर्मेशन ठीक है सजे पासवर्ड मेल बॉय इंजन डिनाइल ऑफ सर्विस इनमें से कौन से या इनमें से कोई नहीं किस प्रकार के साइबर अटैक में देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी लाए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक्स में कमी नहीं होना चाहिए भैया भरपल्ले लाइक्स देना चाहिए ठोको लाइक्स खूब सारे थर्टी थ्री का डिनाइल ऑफ सर्विसेस थर्टी टू का तो डी था ठीक है थर्टी थ्री का डी क्या बात है निशा शुक्ला सही है इनमें से कोई नहीं किसी में नहीं मांगा जाता भैया किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे जानकारी मांगी जाती है कि पासवर्ड नाम जन्म, तो इनमें से तो नहीं पासवर्ड अटैक मेल बॉय इंजन इनमें से इन तीनों में नहीं मांगते इन तीनों में नहीं लगता इसलिए आंसर क्या आएगा डी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया था चलिए आखिरी के पंद्रह क्वेश्चन है दस मिनट में हो जाएंगे डी बिल्कुल सही है लता का सही है बिल्कुल डी ओमवती का भी सही गया विकास का भी सही है दिनेश का भी सही है तबरेश का भी सही है मोहिनी का भी सही है कविता का भी सही है चरण चरण का गलत चले गया मिथिलेश सही है MPSI, Arvind, MPSI की वैकेंसी तो जल्दी आना चाहिए। अच्छा अच्छा, पूजा ए दिया है पूजा ने ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का सी आएगा एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ये पूरा याद करो ना प्रस्तावना ही तो है ये क्या है ये प्रस्तावना है ये प्रस्तावना है तो याद रखना ये क्या है ये प्रस्तावना है याद रखेंगे एक बार फिर याद दिला देता हूं मैं चलते लेक्चर में कल टेस्ट नहीं है तो देर विल बी नो टेस्ट टुमारो तो आप प्लीज याद रखेंगे कल भौरकुआ नहीं आना है आपको ऑफलाइन टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट वो कल नहीं है मैं वजह आपको बता चुका हूं मैं अंत में एक बार और याद दिला दूंगा ठीक है कल टेस्ट नहीं है तो दोस्तों प्लीज आप परेशान मत हो जाएगा कि कल हमें टेस्ट नहीं मिला हम भौर कुआ सेंटर बन मिला तो कल टेस्ट नहीं है याद रखेंगे थर्टी फाइव का बताइए बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन उन्नीस सौ बत्तीस में जो पूना समझौता पूना पैक्ट बोलते हैं बहुत है तो साइन बिटवीन बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी हैड ए प्रोविजन भारत के डोमिनल स्थिति बनाए रखने के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन या हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बहुत आई एम पी है यार अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर बताइए थर्टी फाइव का आंसर क्या आएगा थर्टी फाइव का युवराज ने ए दिया है गलत है बेटा पूजा जैन सी गलत है बेटा आपका भी थर्टी फाइव का बी डी बहुत सही आंसर दिया है थर्टी फाइव का डी डी सही दिया प्रकाश ने भी सही दिया है रंजिता ने भी सही दिया 35 का डी आएगा ठीक है मिथिलेश का भी सही है 36 देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमोत्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था बहुत बड़ा क्वेश्चन है अच्छे से पढ़िएगा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान अ टे इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेकिंग काउंसिल टू डिटर अगर सही शब्दों में छोटे शब्दों में बोलू तो कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुना गया था कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान परिषद बनाई गई थी तो उसमें कितने लाख पर था आठ लाख पर एक बंदा था दस लाख पे बारह पे पंद्रह पे जल्दी बताइए शॉर्ट कर दिया है, मैंने क्वेश्चन की आपको दिक्कत ना हो आठ दस बारह पंद्रह थर्टी सिक्स का बताइए कितने लाख पर एक बंदा बैठा था दस लाख पर क्या बात है शाबाश बहुत अच्छे तालियां बजनी चाहिए भैया आपके लिए तो बहुत बढ़िया शानदार बी बिल्कुल सही बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे फंडे क्लियर हैं फिर पॉलिटी हम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा आपसे जो हमारा डिस्कशन होगा वो और बढ़िया रहेगा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल दस लाख पर थर्टी सेवन देख लिया निम्नलिखित में कथों में से कौन सा सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट भारतीय संविधान अध्यात्मक है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंसी नाम मात्र का राजतंत्र एक कुलीन तंत्र है एक संसाधक प्रजातंत्र है बहुत आईएमपी क्वेश्चन इसमें आपको मालूम है बहुत डाउट आने वाला है जब मैं आंसर आपसे शेयर करूंगा ना आप बोलोगे सर ये क्या आंसर दे दिया आपने तो भारतीय संविधान क्या प्रेसिडेंसी इंडिया इज ए नॉमिनल मोनार्की एंड ऑलिगार्की या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 37 का डी मैंने बोला ना बड़ा बड़ा दिक्कत आएगी 37 का सब डी लगा रहे हैं डी नहीं आएगा इसका आएगा बी यहां देखिए आपका डी क्यों नहीं आएगा डी क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहां प्रजातंत्र की बात करी हम गणतंत्र में ठीक है डी नहीं आएगा बी सही दिया है जानकी ठाकुर ने डी नहीं आएगा गणतंत्र नहीं लिखा प्रजातंत्र है ठीक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर आएगा नाम मंत्र का तो हमारे वहां मोनार्की तो है पर नाम मात्र की तो प्लीज इसका आंसर बी याद कर लीजिएगा इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री थर्टी सेवन का डी नहीं है यार बेटा आप लोगों ने गूगल कर लीजिएगा मेरा क्वेश्चन आंसर सही है एक नाम मात्र इसमें ऑप्शन को देखते हुए ना इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है मैंने समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक मौलिक अधिकार एक मौलिक कर्तव्य एक आर्थिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक अंग समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल ड्यूटी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डाला गया इसमें 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 जल्दी बताइए का बी क्या बात है मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही फंडामेंटल ड्यूटी में आएगा शाबाश बेटा युवराज फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा थर्टी एट का बी आएगा बेटा थर्टी एट का क्या आएगा बी 39 देखते हैं थर्टी एट का बी आएगा थर्टी एट का बी डी नहीं है बेटा बी बी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं सही पर आज बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं और फिर क्या कोई गलत देता ना तो जैसे किसी ने टाइप करा तो आप लोग उसी में भेड़चाल में चलते हो फिर एक जैसे सारे के सारे आंसर देते हो जो गलत है आप खुद भी तो अपना दिमाग लगाए हरे पौधे द्वारा प्रकाश अनुशन प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का साइंस आ गया साइंस आया है फटाफट आंसर चाहिए मुझे साइंस आया है अब देखिए हाउ द सोलर एनर्जी यूज बाय द ग्रीन प्लांट कन्वर्टेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रासायनिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा और वह दोनों या में से कोई नहीं तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है दोनों होती है दोनों नहीं होती जल्दी बताइए थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी नाइन राधा ठीक है बढ़िया गुड सपना बिल्कुल गुड शिखा वेरी गुड ठीक है इज़ द राइट आंसर है है ए जस्ट केमिकल एनर्जी ही बनती है। ये आपको याद रखना है ये नहीं बनती भौतिक ऊर्जा का कहां कन्वर्ट कर रहे हो आप कौन सी भौतिक ऊर्जा देख लिया आपने ठीक है अरे भाई रासायनिक क्रिया ही तो परिवर्तित होती भौतिक कहां से लिया है आप तो आप सी पे क्यों गए आपको ए ही लगाना था यहां भौतिक की तो बात ही फिजिकल कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई वहां केमिकल ही तो बनी थी ए आएगा, ए सिर्फ ए आएगा आएगा सिर्फ जल प्रदूषण निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ देखिए स्टैटिक लेके आए हो एक बार फिर से एक बार फिर से स्टैटिक क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर क्या आएगा उन्नीस सौ अस्सी जल्दी बताइए केमिकल बिल्कुल सही जल्दी बताइए समय कम है पांच मिनट बचे हमारे पास दस क्वेश्चन करना है आशा करता हूं फटाफट आप लोग आंसर देंगे फोर्टी का आंसर थर्टी नाइन का ए था बिल्कुल सी बी सही है नाइनटीन सेवेंटी फोर स्टैटिक है नहीं याद रहता जानता हूं पर एम्पी इसलिए डाल दिया था है ना जल प्रदूषण निवारण सन याद नहीं रहते ये मैं मानता हूं लेंस की शक्ति किसमें नापी जाती है एक और साइंस का क्वेश्चन फिजिक्स से आपके लिए तो फिजिक्स के आपसे पूछा गया है द पावर ऑफ लेंस मेजर इन डायोप्टर ठीक है इऑन ल्यूमन या कैंडेला जल्दी बताइए किस जगह पर आएगा 41 का आंसर चाहिए 1974 इज द राइट आंसर फटाफट बता दीजिए मुझे कि इसका आंसर क्या आने वाला है ठीक है तो फोर्टी वन का बताइए मुझे फटाफट डायप्टर क्या बात है साबाश ए बिल्कुल रवीना ने सही दिया है ए आएगा फोर्टी वन का ए आएगा फोर्टी वन का क्या आएगा ए डायप्टर 41 का ए बिल्कुल सही बिल्कुल सही 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 सब दे रहे हैं भैया सही। हाथ से गए से अब ये तो बता दो लॉफिंग गैस जिसको सुनने से हंसी छिड़ जाती है भैया खूब हंसी ठिटोली हंसता रहता है बंदा बिल्कुल सही है ये बता दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नाइट्रोजन उक, नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड 42 का बताइए फटाफट पचास करके ही जाएंगे थोड़ा रुक जाओ फटाफट बताइए 42 का बी नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही है एन टू ओ इसका रासायनिक सूत्र एन टू ओ लॉफिंग गैस कहते हैं इसको प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कम अंडर द प्राइमरी न्यूट्रिय लेवल शाकारी जंतु मांसारी जंतु सर्व भक्षी जंतु कम अंडर द प्राइमरी न्यूट्रिय तो कौन सा आता है फोर्टी थ्री का बताइए पहला किसको कहा जाता है शाकाहारी मांसारी सर्वभक्षी या हरित पादप फोर्टी थ्री का बताइए 43 का डी बिल्कुल सही है शाबाश 44 पे चलते हैं निम्नलिखित पर्यावरणवादी को जल पुरुष कहा जाता है भैया इन्होंने राजस्थान में राजस्थान में पानी की कमी दूर करी थी पानी की समस्या मिटाई थी बहुत आई एम है राजस्थान में पानी की समस्या मिटाई थी जल पुरुष के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा राजेंद्र सिंह वेंकट शर्व और सलीम अली कौन थे जल्दी बताइए किने जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है फटाफट बताइए समय होने वाला है वाटरमैन ऑफ इंडिया 44 का बताइए मुझे 44 का बताइए 43 का डी आंसर सही था 44 का बताइए 44 का बी बिल्कुल सही राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वॉटर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है भैया राजस्थान को इन्होंने पानी की समस्या से मुक्त करा था विदेश व्यापार का भुगतान संबंधित विदेश व्यापार का जो भुगतान संबंधित है पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड टू इकोनॉमी आई आपके सामने इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा है सारे लेके आया हूं फटाफट क्वेश्चन करेंगे आयात के गुणों से निर्यात के गुणों से विदेश व्यापार से या भुगतान संतुलन से 45 का आंसर दीजिए विदेश व्यापार का भुगतान संबंधित पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विद ए बी सी डी लाइक और वाचिंग ज्यादा होनी चाहिए युवराज 45 का बी नहीं बेटा गलत है 45 का बी गलत है आएगा डी भुगतान संतुलन से किस्सा आएगा आएगा 45 का क्या आएगा डी आएगा 45 का डी जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्त्री पुरुष सेक्स रेशो सबसे ज्यादा कहां था मैक्सिमम कहां था कहां था इसमें से झाबुआ डिंडोरी मंडला बालाघाट 46 का सेक्स रेशो तो दोस्तों 46 का बता दीजिए फटाफट और 46 का आंसर क्या आएगा 45 का तो दे दिया 46 का आंसर क्या आएगा 46 45 का डी था 46 का बताइए 46 का डी वेरी गुड बालाघाट क्या आएगा बालाघाट सबसे ज्यादा है निम्नलिखित में कौन सा देश आशियान का सदस्य नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दॉट ए में ठीक है वियतनाम थाईलैंड दक्षिण कोरिया इंडोनेशिया साउथ एशियन जो कंट्रीज होती उनका है उनका एक ग्रुप है उनका एक एसोसिएशन बना है सेवन तो साउथ एशियन कंट्रीज तो ये तो ये भी साउथ एशिया में ये भी साउथ एशिया में ये भी साउथ एशिया में तो कौन नहीं है साउथ एशिया में ये तो 47 का क्या आंसर आएगा सी फोर्टी सेवन का क्या आंसर आएगा सी क्योंकि आपको यह मालूम है कि यह साउथ एशिया में नहीं आती और यह एसोसिएशन ही है साउथ कं, कं, तो फोर्टी सेवन का आएगा सी फोर्टी सेवन का क्या आएगा सी आएगा ये याद रखेंगे आप अच्छे से फोर्टी सेवन का सी होगा दोस्तों बिल्कुल सही क्या बात है पूजा युवराज आनंद एक साथ सही आया है क्या बात है भैया सबका सही शाबाश बहुत बढ़िया फोर्टी एट राज्य निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य निकाय हाउ मेनी द स्टेट इलेक्शन कमीशन भाई जब हम सेंट्रल की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में तो एक ऊपर होता है और दो अन्य होते हैं ये तो केंद्र की बात है राज्य में बताइए राज्य में कितने हैं राज्य का बताइए इसमें आंसर क्या होगा केंद्र में तो तीन सदस्य होते हैं केंद्र में तीन सदस्य राज्य का बता दीजिए दो क्वेश्चन बचे हैं समय हो चुका है फटाफट बी फोर्टी एट का क्या आएगा बी क्या कर रहे हो नरेंद्र चौहान ने सही दिया है देव ने भैया एक ही सदस्य है राज्य निर्वाचन आयोग में एक ही होता है राज्य निर्वाचन आयोग में एक होता है केंद्र में तीन होंगे राज्य में एक केंद्र में तीन संविधान के किस अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है जल्दी बताइए लोक सेवा आयोग किस में दिया गया है ठीक है इमेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील द रिपोर्ट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट संविधान के संघ लोक सेवा प्रतिवेदन जो रिपोर्ट तैयार होती हो किसमें बाविस तेवीस अट्ठारह उन्नीस किस में आएगी तो आएगी ये तेवीस में किसमें आएगी तेवीस में तो ट्वेंट का क्या आंसर है बी 49 का आंसर है बी और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भारत का केग जो भारत का नियंत्रक और महालेखा एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है द कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ लोक लोक लेखा समिति पावर समिति प्रकलन समिति प्रधानमंत्री का जल्दी बताइए वो सिंपल है पीएसी बोलते हैं इसको पीएसी ठीक है तो 50 का आंसर बता दीजिए 50 का आंसर बताइए मुझे फटाफट फिफ्टी का आंसर फिर करते हैं। नाइन का बी था बेटा, 49 का था. 50 का बी था। आंसर बताइए करते हैं। समय हो चुका है हमारे आज के सेशन को एंड करने का आशा करता हूं आखिरी आंसर सही देंगे और आखिरी आंसर दिया है सही अनिता आर्या ने सही दिया है अनिता आर्या का सही है ठीक है तब्रेस तुम्हारा फोर्टी नाइन सही है बेटा 50 का ये, बिल्कुल सही है 38 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी क्या 38 का पूछ रहे हैं बेटा वो तो एक मौलिक कर्तव्य देख लेंगे एक बार अगर 38 में सा कुछ है तो मौलिक कर्तव्य सही है ठीक है ठीक है क्रॉस <coughs> थर्टी नाइन थर्टी एट का बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं अगर ऐसा कुछ है तो पर मेरे को नहीं लग रहा आप जो बोल रहे हैं अच्छा थर्टी नाइन वाला बोल रहे हो थर्टी नाइन में मतलब रासायनिक और भौतिक क्रिया दोनों का ठीक है आज का सेशन आपको कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा पेपर कठिन लिया था आज मैंने ऐसे ही पेपर आपको सैटरडे को हम लोग लेते रहेंगे कल टेस्ट नहीं है ये अच्छे से याद रख लीजिए कल टेस्ट नहीं है हम मंडे को मिलेंगे आपको छह बजे हमारे इस एमपीपीएससी चैनल पे तो आशा करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा अच्छे लगेंगे एक दो क्वेश्चन में जो डिस्प्यूट है वो जरूर आप गूगल कर लीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा तो मैं देवेंद्र सिंह यादव विदा लेता हूँ दोस्तों आपसे जय हिंद जय भारत